साथियों, मैं गुरुजी जीएलसी टॉप 50 आईएएस से मेंस टेस्ट सीरीज जो 2019 है उसकी पूरी डिटेल इसमें है, आप सभी लोग देख सकते हैं। टेस्ट जो है वो 3 भाग में होंगे और लगभग ये एग्ज़ाम के 12 डेज पहले पूरे हो जाएंगे। अधिकतम 6 माह तक इस टेस्ट सीरीज़ की वैलिडिटी रहेगी। एग्ज़ाम डेट आने के बाद फुल लेंथ ज़रूर होंगे, भले एग्ज़ाम 1 साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए। टेस्ट सीरीज़ दोनों मीडियम, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध है, उसमें कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं बिल्कुल। टेस्ट सीरीज जो रहेगी उसका आप शेड्यूल समझ लें। टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 1 जो रहेगा उसमें इस प्रकार से कि जैसे आपको 7 से 8 डेज का टाइम मिलेगा और उसमें आपको टॉपिक मिलेगा। टॉपिक ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं कि जैसे मान लो पार्ट ए है, हिस्ट्री है, और अब हिस्ट्री के अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री जो है अगर 100 वर्ड्स में देखें तो 3-4 क्वेश्चन आते हैं, 300 वर्ड्स में एक या कभी 2 प्रश्न आते हैं। ऐसे एमपी की हिस्ट्री जो है उससे 300 वर्ड्स के अंदर 2 या 3 प्रश्न रहते हैं, 300 में भी एक क्वेश्चन रहता है। तो टॉपिक इस तरह से सेलेक्ट किए गए हैं ताकि बच्चा बहुत अच्छी प्रकार से टॉपिक तैयार करते हुए पेपर में लगभग सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। अब पहला पार्ट जो रहेगा, जैसे आपको वर्ल्ड हिस्ट्री दे दिया गया है तो इसके अंदर आपके 3 टेस्ट रहेंगे। इसमें आपको पहले एक क्वेश्चन बैंक मिलेगा, उस क्वेश्चन बैंक को आप रेडी करेंगे। 20 वर्ड्स का मिलेगा, 20 वर्ड्स का रेडी करेंगे। 100 वर्ड्स का मिलेगा, 100 वर्ड्स का रेडी करेंगे। 300 वर्ड्स का मिलेगा, उसको क्वेश्चन बैंक को आप रेडी करेंगे। जैसे आपको 20 वर्ड्स का क्वेश्चन बैंक आज मिला तो आप लगभग 4 घंटे आपको टेस्ट सीरीज के साथ देने हैं। और अब इसके बाद फिर आपका 20 वर्ड्स का टेस्ट होगा, फिर 100 वर्ड्स का टेस्ट होगा, और फिर 300 वर्ड्स का टेस्ट होगा। मतलब क्वेश्चन बैंक के साथ एक दिन क्वेश्चन बैंक मिल गया, अगले दिन उसी से टेस्ट। इसका फ़ायदा ये होगा कि पर्टिकुलर जो वर्ड लिमिट्स के अंदर आपको जो टेस्ट कंप्लीट करने हैं तो आप प्रत्येक भाग को दक्षता के साथ कंप्लीट कर पाएँ, आपकी एफिशिएंसी वहाँ पे बहुत बेटर आए। तो 20 वर्ड्स को 20 वर्ड्स की तरह सीखेंगे आप, 100 वर्ड्स को 100 वर्ड्स की तरह सीखेंगे, और 300 वर्ड्स को 300 वर्ड की वजह। जब आपके तीनों ये टेस्ट हो जाएंगे तो फिर आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का फुल लेंथ टेस्ट हो जाएगा। इसके आगे पार्ट टू, टेस्ट सीरीज के पार्ट टू में आपके जो 90 मिनट के टेस्ट रहते हैं, पार्ट वन जैसे हिस्ट्री का वाला हो गया, ज्योग्राफी वाला हो गया, फिर सेकंड पेपर के दोनों पार्ट हो गए, थर्ड पेपर हो गया, फोर्थ पेपर हो गया, फिफ्थ पेपर हो गया, तो 90 मिनट्स के जो पेपर रहते हैं वो पैटर्न आपका इसमें चलेगा, ताकि इसमें आप 90 मिनट्स के अकॉर्डिंग भी रेडी तैयारी कर सकें। फिर टेस्ट सीरीज का पार्ट चार जो होगा, पार्ट चार में क्या होगा, पूरा आपका 3 घंटे का जो पेपर रहता है उस 3 घंटे की तरह पेपर होंगे आपके, 6 पेपर एक बार। फिर इसके बाद जो आपके पेपर रहेंगे वो इस तरह से रहेंगे, टेस्ट का एक पार्ट चार है। जैसे मेंस के एग्जाम में 4 पेपर आपके होते हैं, 6 पेपर आपके लगातार होते हैं, वैसे लगातार 6 पेपर एक साथ होंगे और उसी में से 1400 का जो अंकन है वो एक साथ आपके सामने आएगा। ये जो पार्ट है ये 1 बार 2 बार 3 बार संभव है, एग्ज़ाम की जो डेट रहेगी उसके अकॉर्डिंग इसको पूरा किया जा सकता है। अब आप शेड्यूल को भी समझ सकते हैं कि शेड्यूल किस प्रकार से है। जैसे ये शेड्यूल है टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने का, कि आपको जैसे शेड्यूल मिल गया है कि अगले 7 से 8 दिन आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है, तो डे फर्स्ट में आपको 20 वर्ड्स का क्वेश्चन बैंक मिल गया, डे टू में आपको 20 वर्ड्स का जो है टेस्ट मिल गया, डे थर्ड में आपको 100 वर्ड्स का क्वेश्चन बैंक मिल गया, फिर आपको अगले दिन 100 वर्ड्स का टेस्ट देना है, अगले डे में आपको 300 वर्ड्स का क्वेश्चन सेक्शन मिल गया क्वेश्चन बैंक, और डे 7 में आपको 300 वर्ड्स का टेस्ट देना है, और डे 8 में फिर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का पूरा फुल लेंथ देना है। आगे जैसे 7 दिन का समय है एमपी का हिस्ट्री, इसके साथ कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एमपी का हिस्ट्री इस बार इफेक्टिव इसलिए हो सकता है क्योंकि आयोग के द्वारा 2019 में भी एमपी जीके पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, तो मध्य प्रदेश के इतिहास के प्रश्नों की संख्या भी अधिक हो सकती है। तो आपको 20 वर्ड्स का क्वेश्चन बैंक मिलेगा और सेम पैटर्न आपका चलता रहेगा। प्राचीन इतिहास है उसके महत्व को ध्यान में रखते क्या किए गए हैं, क्वेश्चन बैंक तीनों बराबर बनाए गए हैं लेकिन इसमें 90 मिनट के 2 FLT रखे गए हैं। इसी प्रकार की पूरी टेस्ट सीरीज है, आप बिल्कुल मेरे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, और आप टेस्ट सीरीज के लिए और कोई जानकारी आपको लगती है निश्चित रूप से आप इंक्वायरी कर सकते हैं। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, सीमित बच्चों के लिए है, सीमित प्रकार से है, निश्चित रूप से आपके लिए लाभप्रद रहेगी। मैं गुरुजी जीएलसी टॉप 50 से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।